हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूँ आपका दोस्त सेंडोस टेक इंग्लिश शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज कट कट ऐप। और भाई कट कट ऐप जो है इसका काम कट करना है, कट करने के बाद में कट जगह करके लगाना है। तो भाई ये क्या है, कैसे इसको यूज करना है, इस वीडियो में देखिए शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है इसके अंदर में क्या फंक्शन है वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे इसमें 6 ऑप्शन आपको देखते हैं और इसका यूज़ क्या है वो बता दूँ। फोटोज़ को बहुत ही अच्छा एडिट करने के लिए, बैकग्राउंड हटाने के लिए, नया बैकग्राउंड लगाने के लिए और स्टिकर लगाने के लिए। इसके अलावा उसमें और कोड बनाना चाहते हैं, स्टेटस बनाना चाहते हैं फोटो का, तो वो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कट कट का, इस पर आप क्लिक करते हैं। करने के बाद में आपको यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेगा, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। और कुछ कभी ज़्यादा अगर कुछ सिलेक्ट हो जाता है तो इरेज का बटन दबाइए। करने के बाद में उस जगह को जहाँ पे ज़्यादा सिलेक्ट हो चुका है उसको वहाँ से हटा दीजिए। और हटाने के बाद में बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इस तरह से आपकी स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर में बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड दिए हैं। उनमें से जो भी बैकग्राउंड आपको सही सूट कर रहा है अलग अलग कैटेगरी में उसको कर दीजिए। और करने के बाद में यहाँ पर राइट टिक पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में अगर आप इसको डायरेक्ट सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ स्टिकर का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर में आप जो भी स्टिकर डालना चाहते हैं उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं और जैसा आपको करना है कर सकते हैं। और करने के बाद में अप्लाई करना है तो बस आपको वहाँ पर उसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर राइट टिक पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में यहाँ पे आपको स्टेटस का एक ऑप्शन दिया है जिसके अंदर में बहुत सारे कोट लिखे हुए हैं। कोट आप समझ ही सकते होंगे के मुहावरे लिखे हुए हैं, इनको अगर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको वहाँ पे आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में उसको जहाँ पे भी शिफ्ट करना चाहें, अगर सही नहीं लग रहा है तो क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए और अगर इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्रॉस का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। और दूसरे स्टिकर्स आप डालना चाहते हैं तो दूसरे स्टिकर देख लीजिए जो कि वहाँ पर सही तरीके से जचें, उनको आप वहाँ पे उठा के डाल सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे स्टिकर्स मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, स्टेटस के ऑप्शन में आपको जो भी यहाँ पर लगाना है उसको क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में उसको एक जगह पे रख दीजिए जहाँ पे वो अच्छा लगे और दिखे दूर से। और इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर नहीं दिख रहा हो इसकी प्रॉपर वो ना हो तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, शिफ्ट कर लीजिए इस तरह से। और अगर ये आपका बीच में आ रहा है तो इसको थोड़ा साइड कर दीजिए ताकि ये आपका सेट हो सके। और करने के बाद में उसको वहाँ पे छोड़ दीजिए, राइट टिक पे क्लिक कर दीजिए अप्लाई करने के लिए। नीचे और ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे रेस का ऑप्शन है, ऑक्यूपेसिटी का ऑप्शन दिया गया है। तो ऑक्यूपेसिटी का ऑप्शन जो है साइज़ पे है, अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं या इसमें कुछ ब्लर वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए दिया गया है। और इस तरह से हो जाने के बाद में सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो इसके अंदर में दिया गया है कट कट के अंदर में, वो मैं आपको बता दूं। सेकंड ऑप्शन है स्टिकर का, और स्टिकर में जो अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो में सिर्फ स्टिकर चिपकाना है तो सिंपली यहां से एक फ़ोटो को उठा लीजिए। उठाने के बाद में यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे स्टिकर्स आएंगे जिसमें से आप यहाँ पर स्टिकर उठा के और उसको सेट कर सकते हैं। मूछ लगाना चाहें किसी के ऊपर तो वो सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़न का है, इसमें भी कुछ डालना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, अलग अलग जैसा भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। करने के बाद में ये जब आपका समझने आ जाए, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी हैं जिसको आप देख सकते हैं। करने के बाद में नेचर, ये वर्ल्ड वाला वाला जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको उठा लीजिए और उसको करने के बाद में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जैसा भी आपको सेट करना है ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। और करने के बाद में बस आप सेव पे क्लिक कर दीजिए फोटो आपकी उठा के। दोस्तों इसके बाद में तीसरा ऑप्शन यहाँ पे स्टेटस का दिया है। जैसे मैंने आपको पहली फोटो को एडिट करते टाइम बताया था कि स्टेटस में आप जो है बहुत सारे मुहावरे दिए हैं उनको ऐड कर सकते हैं, वही कुछ बस आपको इसमें करना है। जैसे मैंने अभी स्टिकर अप्लाई किया वैसे आपको स्टेटस अप्लाई करना है। और फेस स्वैप जो एक सबसे अच्छा मजेदार इसका ऑप्शन है जिसके अंदर में आपको फेस अपना यहाँ पे पहले तो क्लिक करा देना है। मैं आपको बता दूं इसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे अपना फेस को पास में लाके और बस आपको यहाँ पे
बटन को क्लिक कर दीजिए, फेस को ये डिटेक्ट करेगी, और डिटेक्ट करने के बाद में जो है उस फेस को आप कहीं पे भी अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं फेस को अप्लाई करने के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फेस आ जाएगा, या इस तरह से आप जो है स्वैप कर सकते हैं। तो किसी की भी फोटो आप यहाँ पे डालना चाहें और उसको फिर अलग अलग चीज़ों में फोटो डाल सकते हैं। हालांकि आप पहचान में नहीं आएंगे जो देखने में, आप खुद देखेंगे जब अपने आप को, लेकिन फिर भी यहाँ फनी बना के इनको फेस स्वैप करके आप जो है सेव कर सकते हैं। बाद में दोस्तों आपको फिर से लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कैमरे का ऑप्शन है, जिसको कैमरे से आप डायरेक्ट फोटो खींच सकते हैं। उसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और एडिट का ऑप्शन दिया गया है। एडिट के अंदर में वही कुछ है जो पहले आपको मैंने बताया हुआ है, वैसे ही आप यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नीचे सारे ऑप्शन दिए हैं, और फिल्टर से अप्लाई कर सकते हैं। वही कुछ है जो पहले था, बस थोड़ा सा अलग अंदाज में दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करिए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो को नहीं कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बनी रहे टेक बेला में, स्टे रॉक।